आमिर खान की लाडली बेटी आयरा खान की शादी नुपुर शिखरे के साथ हो गई। दोनों ने पहले रजिस्टर्ड मैरिज की और बाद में उदयपुर के ताज होटल में इन्होंने साथ रहने की कस्में खाई। हालांकि अब सभी अपने शहर यानी मुंबई वापस लौट चुके हैं, लेकिन बेटी के इस खास मौके पर मां रीना दत्ता ने उनके लिए एक इमोशनल नोट शेयर किया है। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शब्दों में पिरोया। वहीं आमिर खान ने भी अपनी बेटी की शादी पर अपनी भावनाओं को जाहिर किया। रीना दत्ता ने आयरा की शादी के यादगार पलों के जरिए अपनी भावनाओं को जाहिर किया। उन्होंने शादी के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी हूँ मेरी बच्ची आयरा खान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फोटोज में बेटी के साथ आमिर खान और रीना दत्ता साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ के इमोशनल नोट पर बेटी ने भी रिएक्ट किया। आयरा खान के कमेंट सेक्शन में लिखा, आई लव यू मम्मा, मुझे पता है इसी वजह से मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। वहीं दामाद नुपुर शिखरे ने भी कमेंट सेक्शन में रेड हॉट इमोजी पोस्ट किया और अपनी फीलिंग्स बयां की। वहीं आमिर खान ने बेटी की शादी पर अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हुए कहा, मेरी भावना एक शहनाई जैसी है जो शादियों में बजाया जाता है। शहनाई में एक खासियत होती है, वो आपको थोड़ी सी खुशी भी देती है और थोड़ी सी उदासी भी देती है, दोनों चीज साथ में, उसका एक मिश्रण होता है इमोशंस का शहनाई में। आयरा खान और नुपुर शिखरे ने 3 जनवरी को मुंबई में रजिस्टर्ड मैरिज की थी, जिसके बाद 7 तारीख को सभी उदयपुर के लिए रवाना हो गए थे। यहाँ इन्होंने दोबारा शादी की, लेकिन उनके पहले प्री वेडिंग सेरेमनी हुई जिसमें हल्दी, मेहंदी, संगीत, पैजामा पार्टी ये सब इंक्लूडेड था। सब ने इन पलों को काफी ज्यादा एंजॉय किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। आमिर खान की दूसरी पत्नी किरण राव और उनके बेटे आजाद ने भी आयरा के लिए गाना गाया था। अब 13 जनवरी को इनका NMACC में रिसेप्शन होना है, जिसमें बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों को देखा जाएगा।